सो भाई लोग पेट्रोल फिल हो गया था, अभी भी रिजर्व भी लगा हुआ है, पता नहीं डाला अभी यानी 2 लीटर तेल पड़ा है, 10-20 रुपये महंगा ही था, बट ब्लैक में डालना ही पड़ेगा क्योंकि पेट्रोल पंप वगैरह तो यहाँ पर है नहीं है, शादरा वाली साइड एक है बट वो उसमें तेल अच्छा नहीं मिलता है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग, एक और नया दिन एक और नई वीडियो। तो कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली, आई होप सब बढ़िया से होंगे और तुम्हारा भाई भी एकदम मस्त। और आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा कि मैं शाहदरा शरीफ आ रहा था बट रास्ते में अपनी स्कूटी ख़राब हो गई थी, फिर स्कूटी को वहाँ पर तिजोरी जाना पड़ा, वो मैं शूट नहीं कर पाया और वहाँ से आके अपनी गाड़ी लेके सीधा अपने होम टाउन में। ये कौन से पेट्रोल पंप से आया था आपने? शादरा वाला तो नहीं है? सो भाई लोग पेट्रोल वगैरह फिल हो गया जितना भी करवाना था, यहाँ पे पेट्रोल पंप तो है नहीं है तो ब्लैक में पेट्रोल लेना पड़ता है, बाकी 10-20 रुपये महंगा पड़ता है बट ठीक है क्योंकि इस पर लग गया था रिजर्व और रिजर्व लगा के। सो भाई लोग पेट्रोल फिल हो गया था, अभी भी रिजर्व भी लगा हुआ है, पता नहीं डाला अभी यानी 2 लीटर तेल पड़ा है, 10-20 रुपये महंगा ही था बट ब्लैक में डालना ही पड़ेगा क्योंकि पेट्रोल पंप वगैरह तो यहाँ पर है नहीं है, शादरा वाली साइड एक है बट वो उसमें तेल अच्छा नहीं मिलता है। बल रहे यहाँ से यार कि क्या ही गंदी रोड है, पता नहीं कब इस रोड का काम स्टार्ट होगा। भाई साहब क्या ही गंदी रोड है, भाई साहब इतने बड़े बड़े खड्डे पड़ रखे हैं और भाई एक बार व्यू चेक मारो क्या खतरनाक व्यू है। इस व्यू के लिए इतना तो बनता ही है क्योंकि राजौरी से सीधा हम आए यहीं पे क्योंकि थोड़ा बहुत काम था थाना मंडी में, तो आगे बैठे आर्मी वाले टाटा मोबाइल में, दिख रहा होगा शायद से कैमरे में, बाकी बोल रही है कि उन्होंने मुझे बाय किया। और यहाँ पे अब थोड़ी बहुत रोड ठीक कर दी है जहाँ तक लगता है क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदी है। भाई लोग आर्मी वालों ने बंद करवा दी थी वीडियो के, वीडियो मत शूट करो, बाकी अब यहाँ से चलना है हमें राइट साइड में क्योंकि हमारा जो गांव है वो इसी साइड पड़ता है, दूसरी साइड राजौरी से आए थे बट थाना मंडी में थोड़ा बहुत काम था तो इसीलिए यहाँ से हम निकल रहे हैं आगे अपने गांव की तरफ। यहाँ पे आई होप रोड थोड़ी बहुत सही होगी जहाँ तक लगता है, पहले तो सही थी बहुत टाइम बाद में इस रास्ते से जा रहा हूँ तो रोड सही होनी चाहिए। बाकी यार एक बार व्यू चेक करो क्या ही खतरनाक व्यू है, बारिश का भी मौसम हो रहा है, शायद से बारिश स्टार्ट हो जाएगी अब थोड़ी देर बाद। और भाई यहाँ पे बहुत ज़्यादा जल्दी सर्दी हो जाती है क्योंकि पहाड़ी इलाका है ना, जिस वजह से सर्दी ज़्यादा हो जाती है। बाकी ये चक्कर यार खतरनाक व्यू है एक नंबर, बाकी यहाँ की रोडें थोड़े बहुत सही हैं, मैं यहाँ पे थोड़े बहुत सिनेमैटिक्स डाल दूंगा, आप सिनेमैटिक्स एंजॉय करो तब तक। सहनी हमें सजा है, हम हैं बाजारों के, सबकी नजर यहाँ है, हर चीज राज है, सब है जो है वो समा है। यहाँ पे रोड बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, मोड़ वगैरह ज्यादा, इसीलिए मैंने फोन माउंट पे लगा दिया ताकि ड्राइव करने में थोड़ी भी दिक्कत ना हो, अगर मैंने हाथ में फोन पकड़ लिया तो। यहाँ पे रोड सिंगल है और मोड़ भी बहुत ज्यादा है, सब भाई लोग कुछ इस तरह की रोड है यहाँ पे, बहुत ही ज्यादा खतरनाक। एकदम गाड़ी आ जाती है जिसकी वजह से पता नहीं चलता मोड़ में कि गाड़ी आ रही है, तो अगर मैंने एक हाथ से फोन पकड़ा होगा तो भाई खतरनाक सीन हो जाएगा, इसीलिए मैंने फोन थोड़ा माउंट पे लगा दिया, दिख ही नहीं रहा कुछ भी मोड़ में, जिसकी वजह से एक हाथ हॉर्न पे होना चाहिए और हमेशा और एक स्टेयरिंग पे, बाकी अगर मैं आप इस ऐसी जगह पे फोन पकड़ूंगा तो खतरनाक वाला सीन हो सकता है और मैं नहीं चाहता कि कोई उल्टा सीन हो। सो भाई लोग अभी पहुंच चुके थे कुछ इस तरह की जगह पर और भाई दा वे इतना ज़्यादा सामान ले लिया हम लोगों ने खाने पीने के लिए, बाकी देखते ही रही अपनी गाड़ी।
सो भाई लोग अभी पहुंच चुके हम राजधानी। भाई क्या स्पीड में आ रहे हैं, ना यहाँ पे हॉर्न मारते ना कुछ। कहाँ पहुंचे? और बाकी यार यहाँ पे थोड़ी बहुत गर्मी कम है और मौसम भी यहाँ पे बड़ा ठंडा हो रहा है। शायद से पीछे गांव में बारिश हो रही होगी जहाँ तक मुझे लगता है। बाकी देखते हैं आगे क्या सीन रहने वाला है। कोई ना कोई रोड में के बीच में आ जाता है 2-2 मिनट के बाद। यहाँ पे यार ब्लॉगिंग करनी है खास से बहुत ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि रोड बहुत ज़्यादा सिंगल है ना जिसके यार ये देख सकते हो आप कितने खतरनाक मोड़ है। और ये खास से ब्लॉग करना और एक गाड़ी चलाना मुश्किल काम है यार यहाँ पर। तो रोड बाकी रोड तो थोड़ी बहुत अच्छी है और मौसम भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा सही है क्योंकि राजौरी में बहुत ज़्यादा इस वक्त गर्मी हो रही है, इसलिए मैं यहाँ पे आया था थोड़े दिन के लिए। बाकी देखते हैं अब आगे, बारिश नहीं होनी चाहिए नहीं तो थोड़ा बहुत जितना पैदल चलना है गीले होकर घर पहुँचेंगे। और भाई साहब यहाँ पे तो धूप लग रही है, लग क्या ही खतरनाक मोड़ है और इनमें बिल्कुल पता ही नहीं चलता कि आगे से गाड़ी आ रही या नहीं आ रही। और लोग हॉर्न भी यहाँ पे बहुत कम भी मारते हैं। और भाई खतरनाक वाला ऑफ रोड। भाई साहब क्या ही खतरनाक जगह, हर जगह ग्रीनरी है भाई, कहीं पे भी गर्मी के बहुत ज़्यादा कम चांसेस यहाँ पे। अभी हम थोड़ा बहुत गाड़ी में बैठे ना, सीट पे लेदर वगैरह लगा हुआ है और पसीना आ रहा है। सो गाइस आज मैं पहली बार गाड़ी में व्लॉग कर रहा हूँ और एक हाथ से फ़ोन पकड़ रखा है और एक से गाड़ी चला रहा हूँ। भाई अलग ही एक्सपीरियंस हो रहा है और कोई है भी नहीं है फ़ोन पकड़ने वाला। बाकी इनको अगर फ़ोन पकड़ाऊँगा तो ये मुझे लाएंगे ही नहीं सिर्फ। बाकी ये चक मारो क्या ही खतरनाक मोड है भाई साहब, पूरा यू टर्न है और सिर्फ जितने में थोड़ी बहुत रोड पड़ी है बस उसी में थोड़ा बहुत घास कम है, बाकी पूरा घास ही घास है। जंगल देख रहे हो भाई साहब, आगे अब तो थोड़ी देर के बाद आने वाला है ना व्यू, एक नंबर भाई। सब भाई लोग अभी थोड़ा ही दूर रह गए अपना घर, थोड़ा सा पीछे ही है। बाकी यहाँ पे रोड है जो एक नंबर, बस मैं हाथ से पकड़ के शूट नहीं कर सकता, मैं माउंट पे लगा दूंगा अपना फ़ोन, आप थोड़े बहुत व्यू एंजॉय करो तब तक। फ़ोन जो था मैंने अपने माउंट पे सेट कर दिया, आई होप एंगल थोड़ा अच्छा ही आ रहा होगा। बाकी यार अब व्यू एंजॉय करो, क्या ही खतरनाक व्यू आ रहा है। ज़्यादा ख़राब है क्योंकि पूरी रोड में छोटे छोटे पत्थर गिर रखे और यहाँ पे गाड़ी बहुत ज़्यादा स्पीड होती है, इसीलिए थोड़ा बहुत आहिस्ता ही चलना पड़ेगा। बाकी चलते यार फटाफट, बहुत ज़्यादा टाइम लग गया आज, जो इन लोगों ने तंग किया मुझे खतरनाक भाई। और यार एक बार व्यू चेक मारो क्या ही खतरनाक व्यू आ रहा है। सो भाई निकलते हैं यहाँ से बाहर, थोड़े बहुत फोटोज वगैरह क्लिक करते हैं, फिर आपको मिलते हैं वापस से। और भाई यार क्या ही खतरनाक व्यू है, चेक मारो एक बार। ये लगा रखी है हमने अपनी गाड़ी, इसकी फारी बंद कर देते हैं, कोई आके तोड़ देगा। बाकी यार कुछ इस तरह की जगह पर है हम। और भाई साहब जब एक बार यहाँ से नीचे देखो, जो कोई यहाँ से गिरेगा वापस उठ नहीं पाएगा। तो भाई वहाँ से आए हम नीचे से, बाकी रजौरी वहाँ पे है और हमारा घर है कुछ उस साइड थोड़ा पीछे है, यहाँ से घर नहीं दिख रहा। बाकी चलते ऊपर आपको दिखाते हैं कैसा है हमारा होम टाउन। बाकी इसको बहकी सभी जुबां है, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके तो रबा है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके ऐसी जी, अब चाहे जिंदगी ऐसी जी, तब चाहे जिंदगी है। सजा है, हम हैं बाजारों के, सबकी नजर यहाँ है, हर चीज राज है, सब है जो है वो सब। नाग रोड का देख रहे हो क्या हाल है, बीच में बड़े बड़े पत्थर गिर रखे भाई साहब। सो फाइनली गाइस इतना टाइम लगाने के बाद हम पहुंच चुके हैं अपने घर के सामने, अभी चलते हैं यहाँ से फटाफट ऊपर। तो मुन्ने
सो गाइस ये रहा अपना घर और ये रही अपनी गाड़ी। यहाँ से निकलते हैं, अब यहाँ से पैदल ही चलना पड़ेगा थोड़ा बहुत, क्योंकि यहाँ पे आगे गाड़ी पार्क करने की जगह नहीं है। और किसी बंदे ने बिल्कुल सेंटर में गाड़ी पार्क की है भाई साहब। चलते हैं यहाँ से अब आगे ऊपर घर।